नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे नेहा खन्ना को इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर। आज हम आपके लिए कुछ दिलचस्प खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, ये जुड़ी हुई है फुटबॉल और बॉलीवुड दोनों दुनिया से। आखिर जहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल की बात हो तो बॉलीवुड ज़्यादा पीछे रह नहीं सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि जो बहुत बड़े हमारे फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, अर्जुन कपूर हो या सुनील शेट्टी हो, ये स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल। रणबीर कपूर तो माने जाते हैं फुटबॉल के बहुत बड़े फ़ैन। अभिषेक बच्चन हम सब जानते हैं कि एक कबड्डी टीम भी ओन करते हैं। तो हम आज उनकी बात क्यों कर रहे हैं? हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड पे शनिवार और इतवार को मुंबई में कुछ दिलचस्प फुटबॉल सेलिब्रिटी मैचेस हुए, चैरिटी मैचेस, जिनमें इन बहुत बड़े बड़े नामों ने हिस्सा लिया। और भी कई फिल्मी सितारे थे जो इन मैचेस में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद के फिल्मी दुनिया के इतने बड़े बड़े नाम थे, उसके बावजूद सबसे बड़ा आकर्षण हम आपको बताते हैं कौन रहा। जी नहीं, अभिषेक बच्चन नहीं, रणबीर कपूर नहीं, सुनील शेट्टी नहीं, अर्जुन कपूर नहीं, सबसे बड़ा आकर्षण बन के सामने आए महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, नामी गिरामी क्रिकेटर, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फुटबॉल फ़ैन भी माने जाते हैं। उन्होंने शिरकत की इस सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में और जैसे कि हमने कहा, वो सबसे बड़े स्टार अट्रैक्शन बन के सामने आए। कई फैंस ने उनका नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, उनकी तस्वीरें ली, बहुत ज़्यादा जोश था लोगों में महेंद्र सिंह धोनी को फुटबॉल खेलते हुए देखते हुए। अब आप ये सब तो जानते ही हैं कि वेस्ट इंडीज़ टूर जो इंडिया का आ रहा है, उसमें से धोनी ने अपना नाम हटा लिया है। क्यों? उसका भी एक बहुत दिलचस्प कारण है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो कि ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में, उन्होंने ये फैसला किया है कि 15 दिन की वो ट्रेनिंग लेंगे ऑन द ग्राउंड इंडियन आर्मी के साथ। जी हाँ, ये बात की पुष्टि जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ ने भी खुद की है। 31 जुलाई से लेकर 15 अगस्त, इन 15 दिनों के बीच महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी के साथ, टेरिटोरियल आर्मी के डिवीज़न के साथ ट्रेनिंग करेंगे, वो भी जम्मू और कश्मीर में। उनको गार्ड और पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ पे रखा जाएगा। बहुत लोगों ने धोनी की तारीफ़ की है और कहा है कि ना सिर्फ उन्होंने बतौर क्रिकेटर इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत खुशियों के पल दिए हैं, खूब ट्रॉफीज़ और टाइटल्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन अब वो देश की सेवा और तरीक़ों से भी कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो शायद आज तक किसी क्रिकेटर ने नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर में वो ट्रेनिंग लेंगे और सर्व करेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के साथ। और ऑफ कोर्स दिलचस्प बात तो ये भी है कि बहुत लोग काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इसका अभी कोई साफ जवाब तो नहीं है। धोनी ने खुद चुप्पी रखी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। कई लोगों ने कहा था शायद वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएं। रिटायरमेंट पर तो कोई फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन अटकलें ये ज़रूर लगाई जा रही हैं कि क्या MS धोनी अब राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में बहुत सारी मीडिया में पिछले दिनों में रिपोर्ट्स आई हैं। ये तक हमें मालूम है कि BJP के जो प्रेसिडेंट हैं अमित शाह से कुछ महीने पहले, इलेक्शन से पहले, धोनी मिले भी। और याद रखिएगा कि इस साल झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी रांची झारखंड से ही आते हैं, और बहुत लोग अब ये सोच रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धोनी BJP में शामिल होने वाले हों और इन चुनावों से पहले वो BJP का झारखंड चेहरा बन के उभरें। खैर, अभी इसकी कोई पुष्टि तो हमारे पास नहीं है, ना BJP की तरफ से ना धोनी की तरफ से, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि धोनी जो भी करते हैं उनके फैंस उसको बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टू इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स चैनल।